ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातिश्री नमो नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गोवर्धन का पूजा, गोवर्धन पूजा एक ऐसा विधान है जहां जिसको करने से धनलक्ष्मी का प्राप्त होती है। और जो लोग इस गोवर्धन का पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी भी धन धान्य इत्यादि का कमी नहीं रहता है। और धन का वृद्धि होना सबसे बड़ा तरीका है गोवर्धन का पूजा करना। तो गोवर्धन क्या है और गोवर्धन पूजा मतलब गोवर्धन का मूल्य न समझा, गोवर्धन का मूल्य न समझा, केवल पय का लाभ लिया, इसीलिए सुना हर आंगन फिर से इसे बसाना है। ये हमारे गौ संवर्धन गीत में आता है। ये कौन सा गीत है बताता हूं। नई सदी का शंख बज गया, नई सदी का शंख बज गया। तो इस गीत में बताया गया है कि क्योंकि ये भारत के मैकॉले एजुकेशन शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे वाले हमारे युवजन शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे, इसको बोलते हैं शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे, जुबजन खाए ठोकर आज, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। और इन बेचारों को पता नहीं है कि अगर आपको नौकरी क्यों करना चाहते हो, नौकरी क्यों करना चाहते हो, बोला पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, और धन गोबर में है, तो इस ज्ञान का कमी है। सो धन का प्राप्ति, धन लक्ष्मी गोबर के अंदर ही छुपी हुई है और कहीं और नहीं है। यानी ये बताया जाता है कि जो सूत्र हम लोगों का है कि गोमये बसते लक्ष्मी, गोमूत्रेश्च गंगा। तो लक्ष्मी कहाँ रहती है? केवल और केवल गोबर में रहती है। और हम लोग लक्ष्मी को बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में ढूंढते हैं, नौकरी में ढूंढते हैं, चाकरी में ढूंढते हैं, और लक्ष्मी विराजती है। वाणिज्य बसते लक्ष्मी, वाणिज्य में लक्ष्मी बसती है। तो नारायण पयरे लक्ष्मी तिष्ठति, नारायण के पैर में यानी भगवान श्री गोलक बिहारी गोलकनाथ, भगवान नारायण के पैर में लक्ष्मी माँ है। और नर सेवा ही नारायण का सेवा, और जब आप नारायण का सेवा करते हो तो लक्ष्मी प्राप्त होते हैं। लेकिन हमें लगता है कि नौकरी करेंगे चाकरी करेंगे तभी लक्ष्मी मिलने वाली है, और लक्ष्मी मिलती है जब आप संसार का सेवा करते हो, सेवा में मेवा मिलता है, नौकरी चाकरी में लक्ष्मी नहीं। तो ये था इसका लक्ष्मी प्राप्ति का विज्ञान। अब सीधा आते हैं कि गोबर के अंदर लक्ष्मी का निवास कैसे हुआ, वो फिर लक्ष्मी महापुराण जाओ और फिर गौ महापुराण, गौ उपनिषद, गौ वेदांत में जाने से पता चलेगा। नेक्स्ट बिंदु है कि गोवर्धन, ये जो गोवर्धन गोबर, गोबर का अंदर, गोबर के अंदर लक्ष्मी माई का जो वास निवास है,
जब इसको आप पूजा करते हो तो ये एक्टिव हो जाती है। तो कैसे पूजा करें कि एक्टिव होगी? तो सबसे पहला ये गोवर्धन पूजा के दिन गोबर का किसी भी बड़े टीला में, छोटा टीला ला के गोबर कर सकते हो लेकिन उतना काम नहीं, बड़े टीला में पूजा करना है। यानी गांव में किसानों के यहाँ ये मिलेगा, और जब आप किसानों के और जाओगे, किसान के घर जाओगे, तभी आपका शनि कटेगा। शनि कटे तो लक्ष्मी आए, शनि कटे लक्ष्मी आए, शनि लगा है लक्ष्मी भाग गई। ये इसका एक सूत्र हो गया। दूसरा ये कि गोवर्धन पूजा का अर्थ है कि आप गांव के ओर चलो, गांव के ओर जाएं, गोबर और गोबर के टीले के ओर जाएं और गौ माता के ओर जाएं तो लक्ष्मी आएगी। लेकिन जितने जैसे आप गोबर से कटते हो, गौ माता से कटते हो, गांव से कटते हो, किसानों से कटते हो, अन्नदाता से कटते हो, और आपका धन पैसा कंपनी में चला जाता है, किसान के पास नहीं जाता है, गौ माता के पास नहीं जाता है, दरिद्रता आपके घर में आती है। तो सीधा सा फॉर्मूला है कि अगर आप जीवन में धन कमाना चाहते हो तो चलो गांव और चलो किसान का घर और कर लो गौ माता गोबर का और गौ माता का पूजा। और कुछ नहीं करना है, दिया जलाना है और दिया जला के धूप दिखाना है, दीप दिखाना है, भोग लगाना है और गौ माता का पाठ करना है। गो सावित्री एक लंबा विषय है, अभी शुरू करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मेरे गो कथा में मिल जाएगा, आप संजय जी 75 गो कथा चैनल में जाएंगे मिल जाएगा। तो गोबर में लक्ष्मी जी का निवास, इसके ऊपर बड़ा साइंटिफिक, बड़े लंबे लंबे मेरा विषय है। आचार्य संजय जी गो कथावाचक, आचार्य संजय जी के कैपिटल जी 75 में जाएंगे मिल जाएगा, उसको डिटेल नहीं करना चाहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी चैनल है। तो इतना ही कहूंगा कि गोबर का टीला का, अगर आप जो शहर में रहते हो, इतना शुद्ध देसी गाय का गोबर लाना, माथे पे टीका लगाना, और जितना जानते हो उतना ही पूजा करके देख लो। और जो गोबर को करो पूजा करोगे, एक तो है गोबर गणेश, ऐसे ही गोबर लक्ष्मी है, मेरे पास कई बार वीडियो में मैं दिखाया हूं, तो उसको भी आप पूजा कर सकते हो। और याद रखना, जितने सारे लक्ष्मी का प्रारूप है, अष्टलक्ष्मी का विषय बताया गया है, और आप सबको सुन के आश्चर्य होगा कि अष्टलक्ष्मी में सबसे ज्यादा स्थिर, कॉन्क्रीट, परमानेंट रहने वाला एक ही लक्ष्मी है, वह है गोबर लक्ष्मी। दूसरा लक्ष्मी हो सकता है आपसे सब दिन नहीं रहे, लेकिन गोमय लक्ष्मी या गोबर का लक्ष्मी, ये बहुत दिन बहुत देर तक रहती है मनुष्य के जीवन के साथ। और केवल उतना ही नहीं, बोलते हैं कि यह लक्ष्मी आपके पुत्रों का भी रक्षा करती है। देखना, बनिया लोग, मारवाड़ी लोग बच्चा जन्म होने से गोबर का चारों तरफ बंधन करते हैं, तो पुत्र रक्षा करने वाला काम ये लक्ष्मी का, पुत्र धन का रक्षा करना। यानी ये बताया गया है कि ये जो गोबर लक्ष्मी है, गोबर लक्ष्मी केवल धन नहीं देती है बल्कि रक्षा भी करती है। आपके पूरे धन का रक्षा अगर कोई करती है तो गोबर का लक्ष्मी ही पूजा कर रक्षा करती है। कैसे करती है, क्या विज्ञान है, आप क्या बोल रहे हो, जो बोल रहे हो होश में तो हो। हाँ भाई, बिना होश का नहीं बोलता हूँ। देखो, ये जो श्री सूक्त में एक बात बड़ा जोर से आता है, वो क्या है, अलक्ष्मी में नश्यताम, मैं अलक्ष्मी को यानी दरिद्रा को नाश करना और लक्ष्मी का प्राप्ति करना। अब सीधा सा बात है, लक्ष्मी कहाँ रहेगी, लक्ष्मी का
देखो, लक्ष्मी धारण करने के लिए आवश्यक है सबसे ज्यादा पवित्रता, शुद्धता। अपवित्र जगह में अलक्ष्मी रहती है, और खास इसीलिए कहते हैं कि जब आप गोबर का लिपाई करते हो तो लक्ष्मी निवास करती है। और जिस घर में, बोलते हैं, जिस घर में देसी गाय का गोबर नहीं होता, जिस घर में देसी गाय का गोबर का छिड़काव, लिपाई या रखाव नहीं होता, वहां लक्ष्मी हर दिन नहीं रहती है, एक दिन ना एक दिन छोड़ के भाग जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हर प्रकार का धन, पुत्र धन, धना धन, जन धन, हर प्रकार का धन, जो भी धन आप समझते हो, पुत्र धन से लेके जिसको भी धन कहते हो, इसका रक्षा माता लक्ष्मी ही करती है। तो कौन सा लक्ष्मी? गोबर लक्ष्मी। तो इसलिए इसे करना चाहिए। हालांकि पौराणिक मत अलग है, कृष्ण भगवान को वो इंद्र राजा के साथ उनका थोड़ा सा 36 का आंकड़ा हो गया, बारिश करने लगे, पहाड़ उठा दिए, गोबर का पहाड़ उठाए, सबको बारिश से बचा दिए। हाँ ठीक है, ये भी, ये फॉर्मूला भी ठीक है, कोई प्रॉब्लमेबल नहीं है, लेकिन मैं ज्यादातर बेस करता हूं विज्ञान के ऊपर, साइंस के ऊपर। और देखिए, गोबर में वो ताकत है, जब आप थोड़ा सा पिट्यूटरी ग्लैंड में गोबर लगा देना, मैं कई बार लगा के दिखाया हूं, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक रास्ता खुलता है धन प्राप्ति की ओर। जो बुद्धिमान है वही तो अमीर है, और जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, यानी लेबर ग्रेड का आदमी, 240 रुपया, लेबर 240 रुपया, 500 रुपया कमाएगा पर डे, बुद्धिमान व्यक्ति 5 लाख रुपया पर डे कमा सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको लेबर बनना है, हार्ड वर्कर बनना है, या स्मार्ट वर्कर बनना है। तो ये गोबर में वो दम है कि आपका जीवन में लक्ष्मी धन, पुत्र धन, गौ धन, भू धन, सब कुछ मिलता है। तो आशा करता हूं मेरा बात समझे होंगे, और गो माता का और गोबर का पूजन करते होंगे, करेंगे। और इतना आशा करूंगा कि आप आज जरूर किसी भी गांव में जाके, या फिर किसी भी गौशाला में जाके, मेरे गौशाला में आए ऐसा नहीं कह रहा हूं, या मेरे गौशाला को दान करिए ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। बहुत सारे लोग तुरंत दिमाग लगा देते हैं कि आ गया पंडित जी अपना नौटंकी करने वाला, पैसा मांगेगा, अभी किसी को नहीं मांगा कभी। तो किसी भी गांव में गायों को, गौ माताओं को ज्यादा से ज्यादा गोग्रास, हरा चारा कराए, खिलाएं, यही सबसे बड़ा गो पूजन है, यही सबसे बड़ा गोवर्धन पूजन है। क्यों? मतलब जितना हरिया चारा खिलाओगे उतना ज्यादा गोवर्धन बढ़ेगा। गोवर्धन बढ़ाना है तो गाय को हरा चारा देना है, और गोवर्धन, गोबर बढ़ा तो लक्ष्मी बढ़ता है, गोबर घटा तो लक्ष्मी घटते हैं। तो इसलिए गोबर का जरूर प्रयोग करें। नेक्स्ट बात है, आज का दिन में आप लोग सभी कोशिश करके कुछ ना कुछ गोबर का उत्पाद जरूर खरीदें, गोमूत्र का उत्पाद जरूर खरीदें। गोमाता आपका दया पे नहीं चलती है, गोमाता किसी का ऋण कभी बाकी नहीं रखती है, उसे 1000 गुना दे देती है। तो इसलिए आप सभी को अनुरोध है, गोबर का नवग्रह धूप, गोबर का टोपी, गोबर का लक्ष्मी, गोबर गणेश जरूर खरीदें। अब ये बोलो, आ गया बेटा पंडा बिजनेस में, नहीं मिले कहीं तो मेरे से खरीदो, हमारा प्रोडक्शन सेंटर है, गोबर का गोमूत्र का प्रोडक्शन बनाते हैं, खरीद सकते हैं। गोबर का टिकली भी बनाते हैं, गोबर का माला भी बनाते हैं, गोबर का ब्रेसलेट भी बनाते हैं, और भी कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस बहाने आपके घर में गौ माता आ जाएगी, गोबर आ जाएगी, गोवर्धन आ जाएगी, और आप सभी अमीर हो सकते हो। और गोबर देखने के लिए लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, लाइट ब्लैक रहता है। इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्पेशल गौ कथा के लिए आमंत्रण कर सकते हैं।
बड़े साइंटिफिक ढंग से समझाएंगे, और या फिर कमेंट कर सकते हो कि हमें और डिटेल इसके बारे में बताइए, तो मैं ज़रूर आपके लिए स्पेशल वीडियो दूंगा, या फिर आप लोग कोशिश करके मेरा संजय जी 75 को कथावाचक चैनल पे जाएं, इसके ऊपर डिटेल है। धन्यवाद, नमस्कार।